टॉपिक है, मैं थोड़ी सी टॉपिक परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। परम्यूटेशन कम्बिनेशन में टॉपिक परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन में। तो डू नो अबाउट परम्यूटेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशन, ईच ऑफ द जो है डिफरेंट, ईच ऑफ द डिफरेंट यहाँ दिया गया, ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट विच कैन बी मेड बाय जो है टेकिंग सम और जो है ऑल गिविंग थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम इज कॉल्ड ए परम्यूटेशन। ईच ऑफ द जो है डिफरेंट अरेंजमेंट जो है विच कैन बी मेड बाय जो है टेकिंग सम और ऑल थिंग्स और जो है ऑब्जेक्ट्स जो है एट ए टाइम जो है इज कॉल्ड ए जो है परम्यूटेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर आर जो है थ्री ऑब्जेक्ट्स ए वी एंड सी, देन जो है परम्यूटेशन, देन दी परम्यूटेशन ऑफ दीज जो है थ्री ऑब्जेक्ट्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम जो है एट ए टाइम आर ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए, बी ए सी, ए सी बी, लाइक सो विच आर जो है सिक्स जो है इन नंबर्स। इस तरह से ए बी सी तीन जो है वस्तुएं हैं, तीन व्यक्ति हैं, इनको हम लेकर के वस्तुओं को लेकर के तीनों को एक साथ लेकर के हम कितने कम्बिनेशन परम्यूटेशन इनके बना सकते हैं। तो इनको तीनों को एक साथ लेकर के हम ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, बी ए सी, ए सी बी, तो इस तरह से हम छह प्रकार से इनको हम जो है इनके परम्यूटेशन तैयार कर सकते हैं, क्रमचय बना सकते हैं। विच आर जो है सिक्स इन इन जो है नंबर, हेंस वन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हेंस वन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ आर थिंग्स इज इक्वल टू द जो है वे ऑफ जो है फिलिंग आर जो है ब्लैंक्स वाई एन डिफरेंट थिंग्स। आर रिक्त स्थानों को एन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं द्वारा भरने के कुल जो है तरीके जो होते हैं वो क्रमचय के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात इन्हें हम क्रमचय या परम्यूटेशंस कहते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जो है काउंटिंग, गणना का मूल सिद्धांत है, गणना का मूल सिद्धांत यहाँ जो हम लिखते हैं फंडामेंटल जो है सिद्धांत इनमें। हियर वी शैल जो डिस्कस टू फंडामेंटल जो है प्रिंसिपल, देयर फॉर प्रिंसिपल ऑफ जो है एडिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, दो प्रकार के योग का सिद्धांत और जो है दूसरा गुणन से, प्रिंसिपल ऑफ जो है एडिशन। इफ दीज आर डिफरेंट जॉब्स एम एंड पी ईटीसी जो है कैन बी जो है कैन ऑकर इन डिफरेंट वेज एंड इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, then one job can be done in m plus n plus p plus so on ways। इनको जो है m n m n p आदि जो है वस्तु दिए गए हैं इनको भरने के, इनको जॉब से इनको भरने के जो है तरीके के, इनमें से जो है केवल एक को प्राप्त करने का तरीका उनके जो है केवल गुण योग के सिद्धांत से मिलकर इनके जो है एडिशन के प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन से m plus n plus p plus something सो ऑन जो भी दी गई एटीसी जो है वेज इसके जो है होंगे। इस तरह से किसी प्रश्न में हम देखते हैं कि उनके गणना के सिद्धांत के लिए मूल सिद्धांत से, योग के सिद्धांत से हम उन सभी को डिफरेंट थिंग्स दी गई है और उनको जो उनमें से किसी एक के उनके बनाने के तरीके या चुनने के तरीके, तो हम उनको इतने तरीके से चुन सकेगा। दो वस्तुएं हैं तो उनको दो को जो है दो में से कोई एक भी हो सकती चुनने के तरीके, वही टू है तो उनके जो वेज टू हो गए। इसी तरह से उनके सम से जो है प्रिंसिपल ऑफ जो है मल्टीप्लीकेशन, इफ ए वर्क डन ओनली जो है वेन, इफ ए वर्क डन वेन, इफ ए वर्क डन वेन जो है ओनली वेन, ओनली जो है वेन ऑल
नंबर्स ऑफ जो है वर्क आर जो है डन, देन द नंबर ऑफ देन दी जो है नंबर ऑफ वेज ऑफ जो है डूइंग द वर्क इज दी जो है प्रोडक्ट ऑफ दी जो है नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग जो है ऑल दी जो है वर्क सेपरेटली। सेपरेटली जो वर्क कर रहे हैं उनके नंबर को यदि हम एड मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल वेज मालूम हो जाएंगे, उस वर्क के करने के वेज मालूम होंगे। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल सपोज देर आर टू वर्कर, देर आर टू वर्क ए एंड बी, ए एंड बी यहाँ दो वर्क हैं ए और बी, बी लेट ए कैन जो है ऑकर इन एम जो है वेज एंड जो है बी इन एन वेज। ए जो है एम प्रकार से और बी एन प्रकार से किया जा सकता है। तो आल्सो जो है suppose that the जो है wage for जो है A and B are not जो है related in the जो है in the sense that B occurs in जो है N wage, regardless जो है the outcomes of A, then both A and B can जो है occur in M into V, N ways, M into N ways A और B करते हैं तो उसे N in M into N ways से जो है ये किया जा सकता है। अब यहाँ एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 10.1 में A coin tossed जो है अगला दिया गया क्वेश्चन है। A coin tossed जो है five times जो है and five times and outcomes are जो है recorded। How many possible outcomes are there? एक क्वाइन एक सिक्के को हम पांच बार उछाले या पांच सिक्कों को हम एक साथ एक बार उछाले, इनके आउटकम्स होंगे हर एवरी क्वाइन जो है गिव्स टू आउटकम्स। एवरी क्वाइन गिव्स इन सॉल्यूशन में एवरी क्वाइन गिव्स two outcomes, every coin gives two outcomes, so five, एक coin, तो पांच बार उछालेंगे तो हम इसको two into every coin को जो हम इस प्रकार से पांच सिक्कों को एक साथ उछालें और या एक सिक्के को हम पांच बार उछालें, एक ही बात है, चाहे हम एक सिक्के को पांच बार उछालें या पांच सिक्कों को एक बार उछालें, तो इनके आउटकम्स जो भी आते हैं हर एवरी क्वाइन प्रत्येक सिक्का दो आउटकम्स देखता है, हेड और टेल, या तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, एच और टी। एवरी क्वाइन गिव्स टू आउटकम्स, हेड और टेल। Every coin gives two outcomes, head or tail. First coin gives, A coin gives A, B, C, जितने भी coins दिए जाते हैं उनमें two outcomes हो गए multiply करके जो है। One coin, when one coin tossed जो है five times, a coin tossed five times or a coin tossed five times then outcomes will be 2 into 2 into 2 into 2 into
2 up to 2 की पावर 5 is equal to 32. एवरी क्वाइन का या 5 क्वाइन का या एक क्वाइन को 5 बार या 5 क्वाइनों को एक बार उछालने पर आउटकम्स की संख्या एक क्वाइन है तो 2 की पावर 5 से, और यदि जो है अदर कॉइन जितने बार उछाला गया वो घात उतने ही लगा देते हैं हम, 4 बार उछाला गया 2 की पावर 4 हो जाएगा, 10 टाइम्स जो है उसको टॉस्ट किया गया कॉइन को तो जो है 2 की पावर 10 करके निकालेंगे, तो 2 की पावर n से किसी भी कॉइन को जो है जितने बार हम उछालते हैं 2 की पावर n से, नंबर ऑफ जो है n इज द नंबर ऑफ टॉस्ट, यहाँ कहा है 2 की पावर n से नंबर ऑफ टॉस्ट जो है जितने बार खींचा गया, तो यही आंसर उसको हमने बाउंस जितने बार टॉस्ट किया एक सिक्के को जितने बार, तो फॉर्मूला है 2 की पावर n से आउटकम्स ऑफ जो है फॉर क्वाइंस, आउटकम फॉर क्वाइन इज इक्वल टू 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ टॉस्ट, उछालों की संख्या है, जहां 2 की पावर n से यहां फॉर्मूला है 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ टॉस, उछालों की संख्या है नंबर ऑफ टोस्ट जो है, नंबर ऑफ जो है टोस्ट जितने बार उछाला, उछालों की संख्या नंबर ऑफ टोस्ट जो है कितने बार उसको बाउंस किया गया उछाला गया उनकी संख्या को हमने इससे यहां रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए A person wants to buy one fountain pen. A person wants to buy one fountain pen. A person wants to buy one fountain pen. Fountain pen. One ball pen. And one pencil. From a stationery shop. If there are 10 fountains, there are 10 fountain pen varieties, 10 fountain varieties, varieties 12 ball pen varieties, varieties and 5 pencil varieties.
varieties? In how many ways? How many ways can we select how many? Can we select these articles? Articles. These articles. Solution. Three items उसे select करने हैं. Fountain pen. कितने हैं? Fountain pen की varieties there are 10 fountain. There are 10 fountain pen varieties. 10 प्रकार के fountain pen हैं और 12 वाल प्रकार के वॉल पेन से एंड 5 पेंसिल वैरायटीज एंड 5 पेंसिल वैरायटीज एंड 5 पेंसिल वैरायटीज. पेंसिल की वैरायटी यहां कितनी है? 5 है. फाउंटेन पेन की वैरायटीज 10 है और यहां वॉल पेन की वैरायटीज 12 है. तो हमें 1 वॉल पेन, 1 जो है फाउंटेन पेन एंड 1 पेंसिल बाय करना है उसे. तो इसके लिए 1 तो 12 में से 1 तो पहले पेंसिल जो है चुनेगा वो वॉल पेन चुनेगा. वॉल पेन को 10 में से टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग जो है पेन वैरायटी ऑफ गिवन वैरायटी ऑफ वॉल पेन्स varieties of fountain given varieties of fountain pen given varieties of fountain pen given varieties of fountain pen 10 varieties of fountain pen is equal to 10 varieties of ball pen isko hum likh sakte hain given varieties of fountain pen R10, R12 varieties of pencil, R5 ways of purchasing ways of purchasing ways of purchasing or buying one fountain pen One fountain pen, one ball pen,
and one pencil. Ways of purchasing or buying: one fountain pen, one ball pen, and one pencil. All articles are different. So ways of product से जो मैंने कहा कि नहीं different process है, तो product से pencil तो is equal to 10 into 12 into 5 is equal to 600. इसके वेज हो गए कितने 600. Given varieties of fountain pen are 10, varieties of ball pen are 12, और varieties of pencil are जो है यहाँ दिया गया, varieties of pencils जो दिया गया है यहाँ तो इनकी वेराइटीज टोटल नंबर ऑफ वेज बाइंग जो है, वेज ऑफ परचेजिंग और बाइंग वन फाउंटेन पेन, वन बॉल पेन एंड वन पेंसिल इज इक्वल टू 10 इंटू 12 इंटू 5 इंटू आपस में मल्टीप्लाई किया और 600 वेज से हम जो है पेन पेंसिल और जो है पेंसिल को, बॉल पेन फाउंटेन पेन इनको खरीद से बाई कर सकते हैं. तो नेक्स्ट 6 क्वेश्चनों को नेक्स्ट देख रहेंगे.